दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को गुना में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय रतनलाल लाहोटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुना में ही हुई। 1962 में आपने गुना न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1977 में उच्च न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज बने। कुछ समय पश्चात डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी छोड़कर हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। उसके बाद हाई कोर्ट जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति के पद पर पदस्थ हुए। जून 2004 में आप भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने। 1 नवंबर 2005 में आप रिटायर हुए। दिनांक 23 मार्च 2022 को 82 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया। आज 24 मार्च को आपके अंतिम दर्शन इस समय B23 सेक्टर 14 नोएडा में जारी है। आपकी अंतिम यात्रा 25 तारीख कल सुबह 8:30 बजे निगम बोध की ओर प्रस्थान करेगी। 9 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न होगा। इस बीच पूर्व हाई कोर्ट जज और उप लोकायुक्त MP सुशील कुमार पालो ने RC लाहोटी जी के निधन पर शोक प्रकट किया है और आज जिला न्यायालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज बीरेंद्र सिंह राजपूत सहित समस्त न्यायाधीश एवं कर्मचारी अधिकारी और बार एसोसिएशन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। देखिए सिटी चैनल की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है रतनलाल लाहोटी मार्ग पर। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्वर्गीय श्री RC लाहोटी साहब, जो कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं, खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने लगाया वाहन मालिक के विरुद्ध 48,000 का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के प्रकरण में वाहन मालिक के विरुद्ध 48,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं। खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने लगाया वाहन मालिक के विरुद्ध 48,000 का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के प्रकरण में वाहन मालिक के विरुद्ध 48,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं। विजय गहलोत एवं चैत्रा माली को मिली अनुकंपा नियुक्ति। अपर कलेक्टर आदित्य सिंह ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र। विजय गहलोत पुत्र स्वर्गीय प्रेम नारायण निवासी शिवाजी नगर कर्नलगंज ठाकुर बाबा की गली गुना एवं चैत्राम माली पुत्र स्वर्गीय दुर्गादास माली निवासी तहसील चाचौड़ा जिला गुना को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। चाचौड़ा थाना अंतर्गत हत्या के मामले में फरार चल रहे अंतिम छठवे आरोपी को भी किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 3 दिसंबर 2021 को कस्बा चाचौड़ा के टेकरी मोहल्ला में अधेड़ व्यक्ति मांगीलाल भील की नृशंस हत्या के मामले में करीबन 4 माह से फरार चल रहे छठवे और अंतिम शेष आरोपी भूरालाल राजपूत निवासी टेकरी मोहल्ला चाचौड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा स्थायी वारंटी गिरफ्तार। मृगवास थाना पुलिस द्वारा चेक बाउंस के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी लईक खान निवासी मृगवास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पुराने बस स्टैंड प्रांगण में पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व खतरे में होने के संबंध में पशुपति मंदिर समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर संघर्ष समिति के सदस्य हैं तथा उक्त मंदिर अति प्राचीन व मध्य प्रदेश का दूसरा पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसके कारण हजारों लोग तथा शहर व जिले भर के गणमान्य नागरिकों की आस्था का केंद्र है। यह है कि उक्त जमीन पर जब बस स्टैंड नहीं था, तब से यहाँ मंदिर स्थित है एवं सभी शहर के श्रद्धालुओं के जन सहयोग से उक्त मंदिर का विकास होता रहा है। यह है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं सनातन धर्म के रक्षक मुख्यमंत्री, ऐसा सभी जानते हैं कि शिवराज के राज में शिव को खतरा कैसे हो सकता है। यह है कि उक्त मंदिर पर बड़े बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान एवं 4-5 हजार लोगों का भंडारा होता रहता है, परंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त जमीन व्यवसाय के उद्देश्य से बेच दी गई है, जिसके बाद से मंदिर के पूरे प्रांगण के अस्तित्व को खतरा मंडराने लगा है। उक्त स्थान पर बरगद, पीपल, नीम, जामफल, केला, बादाम, जामुन तथा अन्य धार्मिक पेड़ पौधे भी हैं, जिनको अब खतरा हो गया है। वैक्सीन कार्य में लापरवाही, 4 शिक्षकों को नोटिस जारी। गुना जिले में 12 वर्ष से
15 वर्ष तक के आयु के बच्चों को चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही करने वाले 3 शिक्षकों को नोटिस। कलेक्टर गुना के निर्देशन में चल रहे वैक्सीन अभियान में आज जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने कन्या माध्यमिक विद्यालय कुमराय रावगढ़ और चाचोड़ा के वैक्सीन केंद्र पहुंचकर व्यवस्था देखी। बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमराज में कक्षा शिक्षक कोमल प्रसाद बैरागी, श्रीमती कृष्ण कुशवाहा, श्रीमती रचना श्रीवास्तव एवं माध्यमिक कक्षा प्रभारी रामदयाल अहिरवार को वैक्सीन कार्य में लापरवाही के कारण 11:30 बजे तक मात्र 3 छात्राओं को वैक्सीन लगी होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। DEO ने कक्षा 9वीं की चल रही हिंदी विषय की परीक्षा भी देखी। लूट डकैती करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा। आरोपियों द्वारा वर्ष 2015 में कुमराय थाना अंतर्गत सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर से लूटे थे 2.30 लाख रुपए। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में चिन्हित एवं सनसनीखेज मामलों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इन मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से सुसंगत एवं तर्कपूर्ण साक्ष्यों को माननीय न्यायालय में समय पर प्रस्तुत किए जाने एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी तारतम में दिनांक 3 अक्टूबर 2015 जिले के कुमराय थाना अंतर्गत रॉयल सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर के साथ हुई 2,30,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस की सटीक विवेचना और मजबूत अभियोजन पक्ष की बदौलत गत दिवस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 5-5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। चारों तरफ से कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया है, अब निकलें तो कहां से निकलें। चौरसिया कॉलोनी के रहवासी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। गुना जिले की चौरसिया कॉलोनी वार्ड क्रमांक 32 के निवासियों ने आज रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि निवेदन है कि वार्ड क्रमांक 32 चौरसिया कॉलोनी का निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है और निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने में भी असमर्थ हैं। हमारे मकान के पास रेलवे लाइन भी रही है। हमारे बच्चे रेलवे लाइन के ऊपर से निकल रहे हैं, उनको खतरा बना रहता है और चारों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मेन रास्ते तुरंत मरम्मत कराई जाए। पूर्व में शिमला वालों की जमीन, पश्चिम में सरदार जी की जमीन और उत्तर में रेलवे लाइन, दक्षिण में सागर वालों की जमीन और हमारी कॉलोनी बीच में फंसी हुई है। यह है कि उक्त कॉलोनी में मूल सुविधा भी नहीं है, जैसे कि लाइट, सड़क एवं नगर पालिका द्वारा साफ सफाई भी नहीं करवाई जाती, जिसके कारण आसपास के वातावरण भी दूषित हो रहा है। निवेदन है कि रास्ता खुलवाया जाए और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही हैं। मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ दिख रहा है। आज सारे दिन से मौसम में नमी रही, दिन भर बादल छाए हुए रहे। किसानों को डर है कि कहीं बारिश न हो जाए, जिससे उनकी खेतों में कटी डली फसल को नुकसान हो सकता है। रोटियाई मंडल के धरनावदा में शहीद आजम भगत सिंह की याद में शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रुठियाई मंडल के अध्यक्ष नीतीश शर्मा के द्वारा गांव में अलग अलग स्थानों पर भव्य भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान के विषय पर चर्चा की और उनका स्वतंत्रता में योगदान के बारे में जानकारी दी गई। कंट्रोल संचालक आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिस कारण कंट्रोल दुकानें आज बंद रहीं। कंट्रोल संचालकों ने अपनी मांगे पूर्ण न होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को गुना में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय रतनलाल लाहोटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुना में ही हुई। 1962 में आपने गुना न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1977 में उच्च न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज बने। कुछ समय पश्चात डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी छोड़कर हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। उसके बाद हाई कोर्ट जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति के पद पर पदस्थ हुए।
जून 2004 में आप भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने। 1 नवंबर 2005 में आप रिटायर हुए। दिनांक 23 मार्च 2022 को 82 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया। आज 24 मार्च को आपके अंतिम दर्शन इस समय B23 सेक्टर 14 नोएडा में जारी है। आपकी अंतिम यात्रा 25 तारीख कल सुबह 8:30 बजे निगम बोध की ओर प्रस्थान करेगी। 9 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न होगा। इस बीच पूर्व हाई कोर्ट जज और उप लोकायुक्त MP सुशील कुमार पालो ने RC लाहोटी जी के निधन पर शोक प्रकट किया है और आज जिला न्यायालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज बीरेंद्र सिंह राजपूत सहित समस्त न्यायाधीश एवं कर्मचारी अधिकारी और बार एसोसिएशन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। देखिए सिटी चैनल की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है रतनलाल लाहोटी मार्ग पर। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्वर्गीय श्री RC लाहोटी साहब, जो कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका पैतृक घर है। 1 नवंबर 1940 को इसी घर में उन्होंने जन्म लिया था। यहाँ से बढ़ते हुए 1962 में गुना न्यायालय से उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। 1977 में आप उच्च न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पदस्थ हुए। उसके बाद नौकरी से त्यागपत्र दिया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर हाई कोर्ट जज बने, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद जून 2004 में आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका कार्यकाल लगभग 15 महीने का रहा। नवंबर 2005 में आप रिटायर हुए। गुना जिले के लिए ये बहुत गौरव की बात थी कि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। गुना से देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप पदस्थ रहे। ये गुना सहित पूरे अंचल में बहुत खुशी का विषय। 82 साल की उम्र में कल आपका निधन हुआ है। दिल्ली में आपकी कल अंत्येष्टि, कल मतलब 25 तारीख को सुबह 8:30 बजे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन पवन के साथ तरुण जैन, नमस्कार। भाभी जी को भी कभी जयपुर लेने जाना पड़ता था, वो नहीं जाते थे, हम लोगों को भेज देते थे। ये स्थिति, इतने काम में मशगूल थे वो। आप बहुत व्यस्त थे, बहुत काम करते थे और वकालत के अलावा कोई बात करते ही नहीं थे। जिस संस्था में गए, वो संस्था जो जमीन में मिल रही थी, उसको उस पर आसमान पर बिठा दिया। रोटरी क्लब गुना जब शुरुआत हुई, कोई जानता नहीं था, लेकिन यह रोटरी क्लब 3050 हमारा जो नंबर था डिस्ट्रिक्ट का जिला, उसको सर्वश्रेष्ठ लाहौटी साहब ने बनाया। जीवाजी पुस्तकालय गुना, बिल्कुल कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, मगर ये रमेश चंद्र लाहौटी थे, उन्होंने जीवाजी पुस्तकालय गुना को सबसे श्रेष्ठ बना दिया। और उनके बाद कंपटीशन होने लगी जीवाजी पुस्तकालय के चुनाव में लड़ने के लिए। रोटरी क्लब, ये बार एसोसिएशन गुना, हम लोगों को बैठने को जगह नहीं थी, चाय पीने की बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था जिसने इस बार एसोसिएशन गुना को सर्वश्रेष्ठ कर दिया और सबसे अच्छा काम को करने लगा। ये वो तो जिस संस्था में वो जाते थे, उस संस्था को आगे बढ़ाते थे और उस संस्था का नाम हो जाया करता था। मैं आपको एक इंटरनेशनल चरखी दादरी कांड हुआ, हवाई जहाज क्रैश हुआ, रशिया का हवाई जहाज था और उसकी इंटरनेशनल जांच हुई। उस जांच को करने वाले थे भारत के न्यायाधिपति जस्टिस RC लाहोटी साहब, और उन्होंने उस चरखी दादरी कांड में जो जांच की, वो दूध का दूध किया, पानी का पानी हुआ और उसके बाद वो काफ़ी विश्व के न्यायालय में प्रसिद्ध हुआ। ये उनकी बात है। 10 बजे ऑफिस से उठते थे, ठीक 11 बजे पुनः कोर्ट में आकर 5 से 5:30 तक काम करते थे। इसके बाद फिर पुनः सायंकाल के ऑफिस के लिए 7:30 बजे नाइट ऑफिस में आके काम करते थे।
रात 10:30 बजे तक अलग का काम, फाइलें देखना, पक्ष का उसे चर्चा करना, ड्राफ्टिंग करना और कल की तैयारी करना, ये पूरा शेड्यूल था। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में हम उनसे कभी ज़्यादा ना तो जुड़े, ना बात करने के लिए समय होता था, ना कोई ऐसा प्रसंग मिलता था जो कोई व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा कर सके। वह भी इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने केवल ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ये पूछने के अलावा अन्य बातें पूछने के लिए ना उनके पास समय था, ना हम लोगों को समय आता था। वैसे यदि अवकाश के दिवस हम इनकी कोई परेशानी बताएंगे तो पूरा भारत सहयोग करते थे, उसमें कभी पीछे नहीं आते थे। कोई और विशेष बात जो आपको विशेष जो मैंने बताई आपको, जो सबसे पहली बात यदि आप इसमें लिखना चाहेंगे, वो हमेशा हमसे भी हमेशा ये कहते थे कि व्यक्ति यदि मेहनत करेगा तो टॉप सर्वोच्च पद उसके लिए हमेशा खाली मिलेगा। इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भी अपने वकालत के क्षेत्रों में बहुत अच्छे ढंग से काम किया और जो उनकी विचारधारा प्रारंभ से थी उसी विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और अपने स्वयं की योग्यता से सर्वोच्च पद पर पहुँचते हुए और उन्होंने न केवल गुनाह का प्रयोग किया है क्योंकि देश में भी उनका नाम ऐसा है जो हमेशा यादगार के रूप में जाता है। क्या नाम है आपका? दूसरा, वो कभी किसी पक्षकार से जैसा कि आजकल देखने में आता है, उन्होंने पक्षकार से एक बार जो चर्चा कर ली उसके बाद दोबारा कभी किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग करना उन्होंने कभी नहीं सीखा था, हमको सिखाया था ईमानदारी से काम करना था। यदि छोटी अदालत में भी जाना है तो भी ईमानदारी से और योग्यता के साथ काम करना है, बड़ी अदालतों में जाना है तो भी उसी योग्यता से। बाकी हमारे शर्मा साहब ज़्यादा बताइए। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे गुना के माटी के सच्चे सपूत माननीय पूर्व चीफ जस्टिस आर सी लाहुटी साहब नहीं रहे हैं। मुझे पर्सनल उनसे मिलने का एक दो बार मौका मिला है। उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी कार्य शैली है और उनका जो बोलने का एक तरीका था, मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है और उनके व्यक्तित्व, उनकी कार्य शैली को सभी अधिवक्ताओं को मेरे हिसाब से अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके सिद्धांतों के अनुसार वकालत के क्षेत्र में मेहनत कर व्यवसाय करना चाहिए। निश्चित रूप से ही जो भी अधिवक्ता इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा वो एक अच्छा अधिवक्ता सहित उच्च पदों पर उनके सिद्धांतों के आधार पर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है और उनको ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी ताकि गुना बार का नाम हमेशा जीवन भर बना रहे। रमेश चंद जी की प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्यालय गुना में हमारे साथ हुई थी। इसके बाद पांचवी कक्षा से हाई स्कूल गुना में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, हमारे साथ थे। हमारे साथ वो हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर तक साथ रहे। इंटर कॉमर्स में उन्होंने हमारे साथ गुना हाई स्कूल से किया। इसके बाद वे बम्बई आगे की शिक्षा के लिए चले गए, जहां उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वापस अपने पिता श्री रतनलाल जी के कार्यालय में आकर वकालत का काम करने लगे। उस समय हम भी वकालत के कार्य में आ गए थे और वे और हम गुना न्यायालय में साथ साथ वकालत करते थे। वकालत करने के बाद वे जिला जज के कंपटीशन में उत्तीर्ण होने के बाद अंबिकापुर में जिला जज के पद पर आसीन हुए।
कुछ समय तक काम करने के बाद उन्हें वो पद रास नहीं आने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हाईकोर्ट बेंच ग्वालियर में वो काम करने लगे। गुना आते जाते रहते थे, हमसे मिलते रहते थे, गुना से वे ग्वालियर हाईकोर्ट में काम करते हुए वहाँ से वे पुनः जुडिशरी में हाईकोर्ट बेंच में जज के रूप में नियुक्त किए गए, जहाँ उन्होंने हाईकोर्ट जज के रूप में सेवाएं दी। हाईकोर्ट जज के रूप में सेवाएं देते हुए उनकी कठिन परिश्रम, सेवा भाव और निष्ठा और ईमानदारी के कारण आज हमारे बीच में, हमारे गुना ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव, भारत के मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय आरसी लाहौटी साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका कल लगभग 4 बजे दिल्ली में हो गया। आज इसी अवसर पर हम सभी अधिवक्ता साथियों ने संयुक्त रूप से जयेश की और हमारी एक शोक सभा का आयोजन किया था और सभी ने माननीय लाहौटी जी के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और मौन धारण कर हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो अधिवक्ता साथियों ने उनके साथ काम किया था अधिवक्ता के रूप में, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हम सब गुना के अधिवक्ता लाहौटी जी को भुला ही नहीं पाएंगे और उनके किए गए कार्यों पर आगे चलने के प्रयास हम सभी अधिवक्ता करेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प है। अल्पसंख्यक संघ गुना में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारीगणों की ज्वाइंट शोक सभा आयोजित की गई। आरसी लाहौटी साहब इस अभिभाषक संघ के सदस्य थे और यहीं से वो जिला सत्र न्यायाधीश बने और आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। एक चर्चित हवाई जहाज दुर्घटना दादरी, चरखी दादरी में उनको नियुक्त जांच के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने समय सीमा में उस जांच को अपने सेवाएं देकर उस जांच को पूरा किया था। उस जांच को पूरे देश नहीं अपितु विदेश में भी सराहा गया। वो ऐसी एक शख्सियत थे जिससे ना कि गुना सुंदर को बाकी पूरे देश को अपूर्णीय क्षति हुई। उनकी आज शोक सभा रखी गई और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए मौत धारण रखा गया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री आरसी लाहौटी साहब के निधन की खबर पाकर हम लोग स्तब्ध हैं। वे न्यायिक परिवार के एक बहुत बड़ा स्तंभ थे। उनके कार्यकुशलता, उनके व्यवहार सभी याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। उनके न्यायिक दृष्टांत को सभी न्यायाधीश और न्यायिक परिवार के समस्त अधिवक्तागण भी अनुसरण करते हैं। उनके इस असामयिक मृत्यु की खबर पाकर सभी न्यायिक जगत पूरा दुखी है। उनके जो कार्यकाल रहा भारतवर्ष के प्रधान न्यायाधीश के रूप में बहुत ही सराहनीय रहा है। कंप्यूटराइजेशन के कार्यक्रम में उनका योगदान हमेशा के लिए सभी न्यायाधीश और सभी न्यायिक परिवार के सदस्य याद रखेंगे। पुराने बस स्टैंड प्रांगण में पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व खतरे में होने के संबंध में पशुपति मंदिर समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि
पशुपतिनाथ मंदिर संघर्ष समिति के सदस्य हैं तथा उक्त मंदिर अति प्राचीन व मध्य प्रदेश का दूसरा पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसके कारण हजारों लोग तथा शहर व जिले भर के गणमान्य नागरिकों की आस्था का केंद्र है। यह है कि उक्त जमीन पर जब बस स्टैंड नहीं था तब से यहां मंदिर स्थित है एवं सभी शहर के श्रद्धालुओं के जन सहयोग से उक्त मंदिर का विकास होता रहा है। यह है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं सनातन धर्म के रक्षक मुख्यमंत्री ऐसा सभी जानते हैं कि शिवराज के राज में शिव को खतरा कैसे हो सकता है। यह है कि उक्त मंदिर पर बड़े बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान एवं 4-5 हजार लोगों का भंडारा होता रहता है, परंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त जमीन व्यवसाय के उद्देश्य से बेच दी गई है, जिसके बाद से मंदिर के पूरे प्रांगण के अस्तित्व को खतरा मंडराने लगा है। उक्त स्थान पर बरगद, पीपल, नीम, जामफल, केला, बादाम, जामुन तथा अन्य धार्मिक पेड़ पौधे भी हैं, जिनको अब खतरा हो गया है। क्या नाम है आपका? मंदिर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, रोड गुना, पुराना आरटीओ बस गुना। जी बताइए, आज आप किस विषय को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं? भैया जी, यहाँ पे ये मंदिर है, इस पर पता नहीं क्या राजनीतिक स्तर पे क्या बातचीत हुई है, किसने क्या बेच दी, किसने क्या खरीदी, पता नहीं है। लेकिन मंदिर का प्रांगण जो है इसको हटाने की कह रहे हैं, रास्ता 10 फुट की रास्ता दे रहे हैं, लिखित में कुछ दिया नहीं है, कहाँ से रास्ता है, कैसा रास्ता है, पूरा निकाल दिया, 3 सेट सब मिटा दिए हैं। और आज यहाँ पे सोमवार रोज़ काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे तो रोज़ ही आते हैं भाई, सोमवार रोज़ 150 लोग अभिषेक भी करते हैं, हर साल में 2-4 बार भंडारे भी होते हैं जिसमें 4-5 हजार लोग भोजन करते हैं, बहुत सारी भीड़ लोग आती है। अब उनको कैसे यहाँ समावेश होगा क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ बैठाएंगे क्या, अभी ये सब निकाल दिया, अब मंदिर के दरवाजे पे लोग गंदगी करेंगे, दारू पियेंगे, लेटरिन बाथरूम करते हैं, उसके लिए हमने जाली लगा करके अपनी सेफ्टी बनाई थी मंदिर की, अब वही गंदगी, जानवर घूमेंगे, लोग असामाजिक तत्व आकर के बैठेंगे, अब कैसे ये मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे, लेडीज भी आती हैं, अकेली भी आती हैं बहुत सारे। आज गुना शहर में बस स्टैंड जो था उस पर एक अति प्राचीन भगवान पशुपतिनाथ भोलेनाथ जी का मंदिर है और काफ़ी गुना शहर के लोगों का आस्था का केंद्र है। अब उस जगह का दूसरा उपयोग हो रहा है जो भी कार्य के लिए, फिर हम लोगों का यही कहना है कि जो मंदिर है उसके लिए आवागमन के लिए और वहाँ पे जो प्राचीन पेड़ लगे हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना करके मंदिर का एक प्रांगण व्यवस्थित रूप से वहाँ छोड़ दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं के लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया है और कलेक्टर महोदय ने भी उस बात से सहमति जताई है कि मौके का एक बार फिर निरीक्षण करके प्रयास ये रहेगा कि उचित से उचित प्रबंधन व्यवस्था जो मंदिर के हित में होगी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। हम सब लोगों की और गुना शहर के श्रद्धालुओं की यही इच्छा है कि मंदिर पशुपतिनाथ के सिर्फ 3 हैं, एक नेपाल में है, एक मंदसौर में है और एक गुना में पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर बस स्टैंड प्रांगण में है, तो उसकी व्यवस्था और आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए आज हम सभी लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया। माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे, बस स्टैंड पे जो जमीन की किसी को भी जो हैंडओवर हो रही है, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, वो ऐसा कैसा बना रहे थोड़े उसमें सुविधा इतनी हो जाए कि वहाँ जो भंडारे वगैरह होते हैं उसका लाभ जो धार्मिक लोग पहुँचते हैं उनको मिले और मंदिर यथावत बना रहे, ऐसा हम लोगों ने कलेक्टर साहब से आग्रह किया, उनका निवेदन किया और उन्होंने भी कहा कि मैं उसका अवलोकन करके उसका सही तरीके से निर्णय लूँगा। उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि वो मंदिर यथावत रहेगा, तो उन्होंने कहा। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ दिख रहा है। आज सारे दिन से मौसम में नमी रही, दिन भर बादल छाए हुए रहे, किसानों को डर है कि कहीं बारिश न हो जाए जिससे उनकी खेतों में कटी डली फसल को नुकसान हो सकता है। आज जो बादल छा रहा है वो किसानों के लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो सोयाबीन की फसल थी वो किसान की नष्ट हो चुकी थी
और आपको पता होगा कि सोयाबीन में जो लोगों ने बीज लगाया था वो 8 से 10 हजार रुपए क्विंटल में लगाया था। इसके बाद दवाइयां डाली, दवाइयों को छिड़का भी और साथ में जुताई लकाई भी हुई, तो डीजल के भी भाव आप देख रहे हो 90 से ऊपर डीजल के भाव है, तो किसान वैसे ही बहुत परेशान है पहले से। तो अब आज अगर जो बादल बूंदाबांदी जहाँ भी होती है तो काफ़ी किसान नुकसान में पहुँचेगा, क्योंकि फसल कटी हुई भी पड़ी है और कुछ फसल खड़ी भी है, तो दोनों फसलों में भारी नुकसान। कंट्रोल संचालक आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिस कारण कंट्रोल दुकानें आज बंद रहीं। कंट्रोल संचालकों ने अपनी मांगे पूर्ण न होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हमने अभी 16 तारीख में एक 11 सूत्री ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, उसमें हमारी 11 सूत्री मांगी थी। उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति मध्य प्रदेश के बैनर पर हमने ये ज्ञापन दिया था। ये उचित मूल्य दुकानदारों का संघ जो है आंदोलन पूरे समूचे मध्य प्रदेश में हो रहा है, कुछ जिले बाकी हैं जो 26-27 तारीख से सम्मिलित होंगे। आज ऐसे कितनी कंट्रोल है ये पूरी से? ये जिले में करीब 525 दुकानें हैं। ये जिला स्तरीय है का पूरा गांव में भी सब जगह बंद है? पूरा जिला बंद है आज, पूरा जिला बंद है। 525 दुकानें टोटल बंद है, कहीं कहीं इक्का दुक्का एक दो दुकानों पे दो दो चार चार राशन कार्ड चढ़ाए गए हैं जिनकी जानकारी में नहीं था। बाकी पूरे समूचे जिले में आज आंदोलन प्रारंभ है और कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में घोषणा की थी ज्ञापन देने के उपरांत कि यदि 7 दिवस के अंदर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने को विवश होंगे। उसके उपरांत ही जब शासन ने और प्रशासन ने हमारी बातों को नहीं सुना, हमसे अभी तक कोई चर्चा प्रारंभ नहीं की, तो मजबूरन हमें इस हठधर्मिता के खिलाफ कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद खान, प्रदेश महामंत्री उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति गुना।